लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर R9 टीवी पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। तो लॉकडाउन में योगी सरकार का बड़ा फैसला, दूसरे राज्यों में फंसे यूपी के मजदूरों को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों को वापस लाएगी सरकार, तो बड़ी खबर आपको हम इस वक्त की दे रहे हैं। दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों को वापस लाएगी सरकार, R9 टीवी पर यूपी की सबसे बड़ी खबर। तो ये मांग यहाँ पर की जा रही थी और अब लॉकडाउन में योगी सरकार का ये बड़ा फैसला यूपी के मजदूरों को लेकर, दूसरे राज्यों में अगर जो यूपी के मजदूर फंसे हुए हैं उनको लेकर बड़ा फैसला योगी सरकार का, तो दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों को वापस लाया जाएगा। तो सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है, तो हर एक जरूरत पर खुद बारीकी से नजर बनाए हुए हैं सीएम। रेजिडेंट एडिटर हरिंद्र चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरिंद्र, R9 टीवी पर वक्त की सबसे बड़ी खबर, जहां पर यूपी के मजदूरों को लेकर बड़ा फैसला योगी सरकार का कि दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों को लाया जाएगा। आसमा, हमने देखा था कि न सिर्फ गुजरात के सूरत में बल्कि महाराष्ट्र में मुंबई और अन्य जो औद्योगिक जो शहर थे दूसरे राज्यों के, वहां पर यूपी के मजदूरों का लॉकडाउन के दौरान जो जमावड़ा था वो तस्वीरें हम सभी ने देखी थी। और उसके बाद से लगातार जो राजनीतिक पार्टी थी योगी सरकार के ऊपर इस बात को लेकर दबाव बना रही थी कि उन सभी मजदूरों को अपने घर तक वापस लाने की व्यवस्था सरकार की तरफ से की जाए। और जिस तरह से कोटा में जो फंसे यूपी के जो छात्र थे, तकरीबन 8,000 छात्रों को रोडवेज की बसों के जरिए उत्तर प्रदेश के जो अलग अलग जिलों में लाया गया, उसके बाद ये दबाव और बढ़ गया था। अब सरकार ने कार्य योजना तय की है और जो अलग अलग राज्यों के लिए जो नोडल अधिकारी नामित किए उन सबको निर्देश दिए हैं कि दूसरे राज्यों में यूपी के मजदूर जहां फंसे हुए और ऐसे मजदूर 14 दिन का क्वारंटीन पीरियड जो है उन राज्यों में पूरा कर चुके हैं, उन सभी की लिस्ट तैयार करके एक कार्य योजना तय की जाए और सरकार उन मजदूरों को वापस लाएगी। आसमा, देखिए ये बड़ा फैसला है योगी सरकार का, जो दूसरे राज्यों में जो उत्तर प्रदेश के जो मजदूर फंसे हुए हैं लॉकडाउन की वजह से, जो अपने घर वापस नहीं पहुंच पाए, अब योगी सरकार ने फैसला किया कि उन सभी मजदूरों को अपने घरों तक वापस लाया जाएगा। और इसके लिए जो कार्य योजना तय करने के निर्देश दिए गए उसके तहत उन सभी का जो लिस्ट तैयार होने के बाद उन सभी मजदूरों को राज्य दूसरे राज्यों की सरकार के सहयोग से यूपी के बॉर्डर तक लाया जाएगा और यूपी बॉर्डर पे उनकी थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी और जो संदिग्ध जो लोग होंगे उनके पूल टेस्टिंग के लिए सैंपल लिए जाएंगे। और इसके बाद यूपी रोडवेज की बसों के जरिए अलग अलग जो संबंधित जिले हैं मजदूरों को वहां उनको भेजा जाएगा और जिला मुख्यालय पे जो शेल्टर होम बनाए गए जहां पे जो क्वारंटीन के लिए लोगों को रखा जाता है, ये सभी मजदूर अपने संबंधित जिलों में जिला मुख्यालय पे बनाए गए जो शेल्टर होम है वहां 14 दिन का क्वारंटीन पीरियड फिर से पूरा करेंगे और वहां पे भी जो हेल्थ प्रोटोकॉल के हिसाब से उनका ध्यान रखा जाएगा। और जब सफलतापूर्वक ये 14 दिन का क्वारंटीन पीरियड पूरा हो जाएगा उसके बाद इन मजदूरों को घर जाने की इजाजत होगी। और सबसे बड़ी बात आसमा, जब ये लोग घर जाएंगे तो योगी सरकार, चूंकि इस दौरान ये इनके पास कोई काम नहीं है, आर्थिक संकट इन सभी के सामने है, तो न सिर्फ राशन की किट मुहैया कराए लेकिन भरण पोषण भत्ते के तौर पे 1,000 रुपए और मजदूरों को दिए गए। इन सभी मजदूरों को राज्य सरकार की तरफ से 1,000 रुपए भरण पोषण और बिल्कुल दूसरे राज्यों फंसे यूपी के मजदूरों के लिए एक बड़ा फैसला है, उनके लिए कहीं ना कहीं राहत, क्योंकि इंतजार उनको इसी बात का था और मांग भी दबाव भी यहाँ पर जो है सरकार पर बनाया जा रहा था। फैसला तो यहाँ पर ले लिया गया है, एक अच्छा कदम, लेकिन साथ में चुनौती भी एक बहुत बड़ी रहेगी सरकार के सामने। हरिंद्र, देखिए आसमा, अगर इसके दूसरे पहलू को समझने की कोशिश करें, कल ही योगी सरकार ने जो अपने जो मंत्रियों के समूह है उसके साथ बैठक करके सीएम योगी आदित्यनाथ ने कार्य योजना तय की है कि अगले 3 से 6 महीने में 15 लाख से ज्यादा रोजगार और रोजगार से जुड़े जो मौके हैं वो यूपी में उन सभी लोगों को मुहैया कराए जाए जो जरूरतमंद है। और जब उन लोगों के लिए ये कार्य योजना तय कर ली गई, अब अगला कदम लेते हुए सरकार ने ये नई कार्य योजना बनाई है कि उन सभी को वापस लाया जाएगा जो उत्तर प्रदेश में वापस लौट जाते हैं अपने परिवार वालों के साथ, न सिर्फ इस लॉकडाउन पीरियड में बल्कि आगे भी यही रह के प्रदेश के लिए का और प्रदेश की विकास है उसको पद पे उसमें आगे बढ़ना चाहते हैं, उसमें अपना योगदान करना चाहते हैं। तो जो लोग
रोजगार के लिए तत्पर होंगे, उनको रोजगार मुहैया कराया जाएगा और उसके अलावा स्वावलंबी बनाने की जो अलग अलग कार्य योजना तय की उससे भी इन सब लोगों को आगे बढ़ा जाएगा। तो एक बड़ा फैसला जो है योगी सरकार की तरफ से लिया गया, एक राहत की खबर उन परिवारों के लिए जिनके अपने लोग जो है दूसरे राज्यों में फंसे पड़े और तमाम अलग अलग संकट का इस वक्त उनको सामना करना पड़ा है, तो उन सभी के लिए एक बड़ी राहत की खबर कही जाएगी। बिल्कुल, एक अच्छी खबर, एक राहत की खबर, क्योंकि लंबे वक्त से लोगों को भी, उन मजदूरों को भी एक आस थी कि उनको वापस उनके प्रदेश, उनके घर तक लाया जा सके, क्योंकि उनके पास गुजर बसर का भी कोई जरिया नहीं बचा है। ऐसे में योगी सरकार का ये फैसला अब तो बहुत बड़ा है, लेकिन चुनौती में इसलिए हरिंद्र यहाँ पर कह रही हूँ क्योंकि एक बड़ी संख्या यहाँ पर होगी, बकायदा लिस्ट यहाँ पर तैयार की जाएगी, इसको अमली जामा पहनाने में कहीं ना कहीं काफी वक्त भी यहाँ पर लगेगा। साथ ही कुछ ऐसे सिम्टम भी देखने को मिलते हैं जिनमें, जिन लोगों में सिम्टम नहीं दिखाई दे रहे उस वायरस के, उनमें भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। तो ऐसे में बड़ी संख्या मजदूरों को यहाँ पर लाना, उनकी चेकिंग करना, ये तमाम चीजें जो है कहीं ना कहीं एक बड़ा चैलेंज जरूर सरकार के सामने पेश करेगी। बिल्कुल आसमा, देखिए एक चुनौती बड़ी है, लेकिन जिस तरह से अभी जो नई जानकारी सामने आई है कि 80% ऐसे लोग हैं कोरोना से संक्रमित जिनमें शुरुआती लक्षण नहीं दिखाई दे रहे, और ऐसे में सरकार की चुनौती और बढ़ जाती है। यही वजह है कि जो 14 दिन का क्वारंटीन पीरियड दूसरे राज्यों में जो मजदूर तय कर चुके, जो पूरा कर चुके, उन्हीं को वापस लाने की जो प्रक्रिया है वो अपनाई जाएगी। इसके अलावा जो लोग वापस आएंगे, न सिर्फ थर्मल स्क्रीनिंग जैसा मैंने पहले बताया और सैंपल उनके लेके जो संदिग्ध लोग हैं, उसके बाद उनको अपने जिलों में भी 14 दिन का क्वारंटीन पीरियड पूरा करना पड़ेगा। और सरकार इस दौरान ये सुनिश्चित करने की कोशिश करेगी कि दूसरे राज्यों से जो लोग आए हैं और अपने स्वास्थ्य के दृष्टि से वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं और सुरक्षित हैं, दूसरे जो उनके जो लोग हैं जो उनके संपर्क में आएंगे उनके लिए भी एक वो खतरा नहीं बन सकते, इस बात को सुनिश्चित करने के बाद ही उन लोगों को घर जाने दिया जाएगा। और उनकी आर्थिक जरूरतों का ध्यान रखते हुए 1000 रुपए का भरण पोषण भत्ता और राशन की किट उनको एक महीने के लिए मुहैया कराई जाएगी। बिल्कुल, लेकिन नरेंद्र यहाँ पर जिस तरह से देखा जाए एक अच्छा कदम है, और ठीक है कि इस चुनौती को भी कहीं ना कहीं सामने से सामना कर लेगी सरकार, लेकिन जिस तरह से उनको स्वावलंबी बनाने के लिए इस तरह के जो कदम है, क्योंकि अभी फिलहाल अगर मौजूदा स्थिति देखें तो अच्छा काम यहाँ पर किया जा रहा है, लेकिन कई जगहों पर अभी भी स्थिति जो है वो इस वायरस के चलते काफी चिंताजनक बनी हुई है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक चिंता यहाँ पर जरूर रहेगी सरकार को चुनौती को लेकर। जी अस्मा, अपना सवाल दोहराएं। हरिंद्र, यहाँ पर हम मान रहे हैं कि चुनौती को सामना कर लेगी सरकार, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में अगर मजदूरों को वापस यहाँ पर लाया जाता है, इनको स्वावलंबी की बात यहाँ पर हो रही है, सरकार भी कदम उठा रही है मौजूदा प्रदेश में जो हालातों को लेकर उससे निपटने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ ऐसी जगह है, कुछ ऐसे क्षेत्र है जहाँ पर कहीं ना कहीं कमी है और वहां पर जरूरत है और कदम उठाने की। तो ऐसे में ये वापसी होना उन मजदूरों की जो दूसरे राज्यों से है, तो कहीं ना कहीं चुनौती इसको लेकर भी सामने रहेगी। हरेंद्र, देखिए आसमा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये जो संख्या है जो मजदूर वापस उत्तर प्रदेश में लाए जाएंगे एक बहुत बड़ी संख्या होगी, और ये लाखों में जो लाखों की संख्या में मजदूर। मैं आपके पास लौटूंगी, इसी बीच हमारे साथ सपा नेता हरेंद्र भदौरिया जी जुड़ गए हैं। हरेंद्र जी, आपका स्वागत है। अनुराग जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आरनाइन टीवी में। अब लॉकडाउन में योगी सरकार ने बड़ा फैसला दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों के लिए लिया है, इस फैसले को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैंने बहुत पहले ये बात बोली थी जब योगी जी ने बोला कि हम जो दूसरे प्रदेश के लोगों के लिए कहते हैं हम बसें भेज देंगे अगर दूसरे प्रदेश के लोग यहाँ से बुलाना चाहते हैं जी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार की कि कागजी बातें करती है, हकीकत कहाँ है आप बताइए। फैसला तो ले लेती है, फैसला तो इन्होंने बहुत सारे लिए, फैसला धरातल पे कहाँ होता है? आपने तो सारे मजदूर तो पैदल चल चल के अपने घर आ गए, उसमें तो 25 लोगों की मौत हो गई। आपको फैसला जब लेना चाहिए था, जब हम कह रहे थे कि लोग वहाँ परेशान, उनको खाने पीने की व्यवस्था करवा दीजिए दूसरे प्रदेशों में जो हमारे उत्तर प्रदेश के लोग फंसे हुए हैं, तब आप कहते हमने नोडल ऑफिसर अपॉइंट कर दिया, पर नोडल ऑफिसर वहाँ धरातल पे है नहीं। लोग वहाँ पे रोड पे आके बोल रहे हैं कि मेरे पास खाना नहीं, मुझे खाना दे दो। अगर रिपोर्ट देखेंगे तो रिपोर्ट आई कि 99% की कोई मदद ही नहीं हुई है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश की सरकार से कि आप ये सिर्फ जो घोषणाएं करते हो उसकी हकीकत कहाँ, ये तो बताओ ना। लेकिन सर, आपकी तरफ से छात्रों को बुलाने की बात कही थी, अब तो मजदूरों को भी लाने की बात यहाँ पर हो रही है सरकार की तरफ से। सेंटेंस आप नहीं समझ पा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ आपने बोला है, आपने क्या व्यवस्था की है?
क्या रूपरेखा खींची उनको आप बुलाएंगे? सिर्फ बोलने से थोड़ी होता है, आपने बोल दिया। अरे आपने पहले छात्रों को बुला लिया था, जब हमने बोला था कि आप छात्रों को बुला रहे तो गरीब मजदूर को ही बुलाओ। अरे आप गरीब मजदूर को सब बुलाने की बात करते हो, जब आपको अपोजिशन वाले चिल्ला चिल्ला के थक जाते हैं तब आपके कान में जूं रहती है। जब वहाँ पे लोग भूखे प्यासे मर जाते हैं, वो बेचारे परेशान हो जाते हैं, जब वो पैदल चल के अपने घर पहुंच जाते हैं आधे से ज्यादा, तब आपके कान में जूं रहती है। आपके कान में जूं तब रहती है जब चिल्ला चिल्ला के थक जाए, आधी परेशान होकर आधे मर जाए और पैदल चल के घर पहुंच जाए, जिंदगी बर्बाद हो जाए, उसके बाद इनको ध्यान आता है। कहते हैं ना, ये मेडिसिन देते हैं तब जब आदमी मरने की अवस्था में होता है, तब दवा लेके पहुंचते हैं। अरे दवा तो जब बीमार हुआ आदमी स्टार्टिंग में देनी चाहिए ना, ये स्टार्टिंग में तो दवा देते नहीं है। जब वो पेशेंट मरने लगता है तब कहते हैं नहीं नहीं हम दवा देने वाले। अरे अब तो उसको कैंसर हो गया, क्या दवा दोगे भाई? लोग परेशान होकर अपने गांव भेजे, उसमें 25 लोग मर गए, क्या वापस आ जाएंगे 25 लोग? 25 लोगों को वापस ला सकेगी सरकार? या वहां पे जो लोग मरे हैं बाहर में, जो लोग भूखे प्यासे जिनका ईगो सम्मान गया, क्या वापस ला पाएगी सरकार? नहीं ला पाएगी सरकार। लेकिन सरकार को हमेशा वो काम करना चाहिए जिस काम से लोगों को सम्मान मिलता हो। सरकार वो काम करती इतना देर करती है, कहते हैं आते आते बहुत देर करती है, जब तक आदमी टूट चुका होता है। ये उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इनको जाति धर्म की राजनीति से फुर्सत नहीं है। ये कोरोना के अंदर धर्म खोजने वाले लोग क्या सेवा की बात करेंगे, क्या विकास की बात करेंगे? ये जहाँ देश में लोग भूखे प्यासे हैं, जहाँ किसान की फसल नहीं बिक रही है, फसल सूख गई है, अभी आप इनसे पूछो तो कहेंगे हमने सारी व्यवस्था कर दी, खरबूजा सड़ रहा है, तरबूज सड़ रहा है। बिल्कुल अनुराग जी, हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर चंद्रमोहन जी भी जुड़ गए हैं। चंद्रमोहन जी, स्वागत है आपका R9 टीवी में। अब जिस तरह से योगी सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है कि दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों को वापस लाया जाएगा, किस तरह से आप इस फैसले को देखते हैं? और साथ ही अनुराग भदौरिया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सपा नेता, उनका साफ तौर पर कहना है कि वापस तो लाया जाएगा लेकिन व्यवस्था क्या है? देखिए, ऐसा है कि उत्तर प्रदेश में जब से कोरोना संकट देश के समक्ष खड़ा हुआ है, एक वैश्विक संकट है, उत्तर प्रदेश की सरकार पूरी जिम्मेदारी के साथ में, अपने दायित्व बोध के साथ में सभी समस्याओं का समाधान कर रही है। और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पूर्व योजना पूर्ण योजना के अंतर्गत काम कर रहे हैं, कंप्लीट योजना बना रहे हैं। जब अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली से लोगों को खदेड़ दिया, की सरकार ने उनकी व्यवस्थाएं की और उनको कुशल घर पर पहुंचाने की और प्रोटोकॉल का पालन करते हुए जो व्यवस्था करनी थी वो व्यवस्था की। जब विद्यार्थियों की बात आई तो विद्यार्थियों को भी उनके मैं आप ये बोलेंगे फिर मैं जवाब दूंगा। विद्यार्थियों की जब समस्या आई तो विद्यार्थियों के समस्या का समाधान करने का काम भी उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है। उत्तर प्रदेश की सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ, पूरी तत्परता के साथ में काम कर रही है, पूरे मनोयोग से कर रही है। अनुराग जी, तत्परता से काम कर रही है सरकार, पूरी व्यवस्था है। इनकी तत्परता इतनी है कि किसान मजदूर पैदल चल के अपने घर पहुंचा, 25 लोग मर गए, उनकी जान वापस ये नहीं कर सकते। इनकी तत्परता है, आपकी तत्परता ये है कि आजम खान को कैसे रमजान मनाए इसके लिए चिट्ठी लिखो आप। समाजवादी पार्टी और कुछ नहीं कर सकती, केवल आजम कर सकती है, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकती है। अरे आपकी कलाई खुल गई है, कोई आपको पहचान नहीं रहा, कोई मुद्दा नहीं बोला। अरे जाओ भैया, इस समय सेवा का समय है, इस समय बकवास का समय नहीं है, सेवा का समय। जाओ कष्टों के लिए सेवा करो, बहुत ऑस्ट्रेलिया से लेकर अनुराग जी, जो भ्रष्टाचार आपने किया, अखिलेश यादव ने भ्रष्टाचार किया,
भ्रष्टाचार के लिए माफी मांगो, बातचीत करो। और आज हमने दोनों को गुजारिश करना चाहूंगी कि भाषा पर थोड़ा संयम रखें। अनुराग जी और चंद्रमोहन जी, आप मुझे सुन पा रहे हो? आप केवल और केवल ओछी बातें करना सर, आपकी बातें लोग नहीं समझ पाएंगे, दर्शक नहीं समझ पाएंगे। अगर आप ऐसे काम करेंगे तो कैसे इस जंग से निपटेंगे हम लोग? अपराधी का अपराधी भी, अपराधी की जाति देखोगे, अपराधी का धर्म देखोगे, यही देखते रहे हो ना। चंद्रमोहन जी, आप पर हम अपराधियों की बात नहीं कर रहे हैं अभी फिलहाल, हम जो जिस हम बात करेंगे जी, उन लोगों से क्या अनुराग जी, समाजवादी पार्टी के लोगों के साथ में कोई चर्चा नहीं की जा सकती। अनुराग बता रहे 25 कौन से 25 हैं? अनुराग जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? काम किया है कोटा से बच्चों को लाए उनके घर पहुंचाने का काम किया है, गाँव में जाते नहीं है, लोगों से कोई लेना देना नहीं है। अनुराग जी आप पर सियासत होनी जरूरी है क्या? सरकार ठीक है, आप कह रहे हैं कि देर से समझ में आती है, सर समझ तो आती है सर, देर से आए दुरुस्त आए, आप लोगों का सहयोग होना चाहिए इस फैसले में सियासत की बजाय। आप जाति की राजनीति करो, वो जाति भी आपके साथ में है, आप पर की जा रही है, आप फैसला तो सरकार ले रही है, तो सहयोग होना चाहिए बजाय सियासत के। ओछी राजनीति का समय खत्म हो गया है, उत्तर प्रदेश बदल गया है, उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो काम हुआ है, गरीबों के खाते में पैसे चले गए, राशन पहुंच गया, आपको अभी भी परेशान हो? अरे आपको शर्म आनी चाहिए, आपको अभिनंदन करना चाहिए, जहां हम उत्तर प्रदेश सरकार के सूत्र का अभिनंदन करते हैं। संकट का समय है, ओछी राजनीति का समय नहीं है, लेकिन अखिलेश यादव ओछी राजनीति करने वाले व्यक्ति का नाम है, जो व्यक्ति अपने पिता का नहीं हुआ, जो व्यक्ति अपने चाचा का नहीं हुआ, प्रदेश का नहीं हुआ, किसी का नहीं हुआ, उनको 150 रुपए की, अरे उनको 1000-1500 रुपए की किट दो। अनुराग जी, आप सबको पता है कौन क्या है, सबको पता है कैसे कैसे आज खाते में पैसा जा रहे हैं। वो दिन उत्तर प्रदेश नहीं भूला है जब 100 रुपए के चेक में समाजवादी पार्टी के लोग कमीशन लेते थे। गुजारिश करना चाहूंगी कि अभी मौजूदा स्थिति को लेकर हम बात कर रहे हैं, सरकार ने एक फैसला लिया है, अनुराग जी मैं आपसे सवाल करना चाहती हूं, ये कोई चर्चा करने लायक लोग हैं? बिल्कुल, आप मुझसे मेरी बात सुन लो, आप मुझसे मेरी बात कर लो, ये सपा के लोग ये इनसे क्या चर्चा किया जाए, ये चर्चा करने लायक है? अनुराग जी आप सुनिए, आप सुनिए, इनको शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते समय? अभी आप व्यवस्थाओं की बात कर रहे थे अनुराग जी, जब वो चंद्रमोहन सिंह जी बता रहे हैं तो फिर आप सुनने को राजी नहीं है सर? व्यवस्थाएं तो सुनेंगे, इनको बकवास करनी है, इनको कुछ नहीं करना है, इनका 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 अध्यक्ष जाएगा प्रादेशिक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो जाके कन्नौज में डॉक्टर के साथ बदतमीजी करेगा, इनके क्या है? अनुराग जी मैं आपसे सवाल करना चाहती हूँ, आप कह रहे थे कि देर से फैसला लिया है, ठीक है देर से, सही समझ तो आ गया है ना, वापस यहाँ पर लाया जा रहा है, इस फैसले में आप लोगों की क्या भागीदारी होगी? आप पर आपको इसमें बात करनी चाहिए, सरकार का सहयोग करना चाहिए, क्योंकि इस वक्त पूरा प्रदेश इससे गुजर रहा है। ये प्रोटेस्ट कराएंगे जब हम दंगाइयों के पोस्टर लगाएंगे तो ये छाती पीटेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं है। अब बिल्कुल चंद्रमोहन जी, ये तो शायद नहीं सुन पा रहे हैं मुझे, लेकिन मैं आपसे सवाल करना चाहती हूँ। यहाँ पर अनुराग जी का ये भी कहना था कि हमने दबाव बनाया उसके बाद ये स्टेप लिया गया है, जब बीमारी होती तब तो दवाई दी नहीं जाती, जब कैंसर में तब्दील होती तब इलाज की बात करते हैं। इनसे उत्तर प्रदेश को मुक्त किया है, करके रहेंगे, उत्तर प्रदेश की जनता ने इनसे मुक्ति ले ली है, उसकी सब्जी सड़ रही है, किसान की कोई चिंता तुमको नहीं है, बेरोजगारों की कोई किसान का क्या जानते हो, किसान का मतलब क्या है, अखिलेश यादव किसान है क्या, क्या तुमने किसान से क्या रोकते हैं? हमने आलू का समर्थन मूल्य घोषित किया, सर आप कहाँ ले गए इस मुद्दे को, इस फैसले को, एक फैसला लिया है जिस जंग से हम निपटने की कोशिश कर रहे हैं, आप दोनों समझने की कोशिश, अनुराग जी आप सुनने के बाद सुनिए तो सही, बेईमानी की राजनीति सर, आप सवाल कर रहे हैं तो अपना जवाब भी तो लीजिए सर, उत्तर प्रदेश को तबाह करो, बर्बाद। अनुराग जी आप सुनने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं, राजनीति खत्म हो गई, अनुराग जाओ और अपने पापों का प्रायश्चित करो, अपने नेता को कहो, पापों के प्रायश्चित की बात कर रहे हैं चंद्रमोहन जी, कौन से पापों की बात कर रहे हैं अनुराग जी? मैं तो समाजवादी आती है, अपनी पार्टी को तो याद ही नहीं कर पाते, बीजेपी का फुल टाइम फुल नेम पता है कि नहीं सर आपको? भारतीय जनता पार्टी, उसको भी याद कर लिया, समाजवादी को याद करते हो, भारतीय जनता पार्टी को याद कर लिया, पार्टी को दाम हो जाएगा, समाजवादी को याद करते रहते, शिवसेना के साथ समाजवादी को इतना याद करते कि आप समझ लो कि समाजवादी ने कितना अच्छा काम किया, जो आप आज तक नहीं भूल पाते सर। ये अच्छा काम बुरा काम यहाँ पर हम बात नहीं कर रहे हैं, अभी जो फैसला लिया है उस फैसले पर किस तरह से अभी जवाब पहनाया जाए, हम इसकी बात कर रहे हैं सर। टोटी चोर का हकीकत पता है,
हमको तो चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी की हम बुराई करें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को काम करने बुराई करने का मौका ही नहीं देती। सर आपको आप भी तो बुराई करने कोई काम ही नहीं करती तो हम कुछ बोल सर आप सुनिए तो सही अनुराग जी आप समाजवादी इतनी अच्छी पार्टी है जो काम करके गई आपको बुराई करने का मौका मिलता है कि ये काम हुआ था इसमें ये गड़बड़ हुआ था ये काम हुआ था इसमें गड़बड़ हुआ हम तो ये भी नहीं कह सकते। चंद्रमोहन जी साफ तौर पर अनुराग जी का ये कहना है कि हमने काम किया तो कम से कम काम किया तो बुराई हो रही है, आपने तो कोई काम नहीं किया, इनका ये कहना है। किसी चीज का जवाब नहीं है, जवाब दे तो रहे हैं। एक साल गिना दो टीवी वाले प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का पैसा प्रदेश के 3 साल का किसान के खाते में गया। साल गिना दो ना, आपको बताए कि नहीं बताए, नहीं बताया। अरे काम गिना, हमें पता चले, समाज को पता चले, काम गिना। ये कुछ करने का बंद बना के दिया आपने, उसने 112 कर दिया। हमने आपको रोड बना के नाम बदल दिया। ठीक है चंद्रमोहन जी, मैं आप चंद्रमोहन जी मैं आपसे समझना चाहूंगी क्योंकि अनुराग जी तो सुन नहीं रहे हैं, सुनने की कोशिश भी नहीं करना चाह रहे हैं क्योंकि वो सवाल तो कर रहे हैं लेकिन जवाब वो लेने में सक्षम नहीं दिख रहे हैं। चंद्रमोहन जी व्यवस्थाओं की बात कर रहे थे कि सरकार ने फैसला तो ले लिया है लेकिन व्यवस्था क्या है, तो एक बार आप चंद्रमोहन जी अनुराग जी के सामने वो व्यवस्थाएं रख दीजिए जो सरकार ने फैसला लिया उसको किस तरह से अमली जमा बनाया जाएगा। सरकार ने जो फैसला लिया उसको लीजिए, सरकार को जो फैसला आपसे 1.5 महीना पहले लेना चाहिए, 1 महीना पहले। सर ठीक है मैं मान रही हूँ उस बात को कि चलिए देर से सही लेकिन ले तो लिया, अब आगे योगदान किस तरह से आप लोगों का, या सिर्फ आप दबाव या सिर्फ आप सवाल खड़े कर सकते हैं। अगर समाजवादी के चिल्लाने की आप चाहते तो बता दिया जाओ ना, हम ये समाजवादी लोग आप लोग जो बोलोगे हम करता जाएंगे, हम से कुछ नहीं पाए, करने आपको बता दिया नहीं पाए, आपको आज्ञा देते हैं तब आप जगते हो कि आपको क्या करना है, आपने छात्रों के बच्चे दी तो हमने कहा हमने लोगों को क्या दो, जब आपने अपने लोगों को नहीं होगा जब हम आपको कुछ खाना दे दो तो आप खाना देते हो, जब आप बोले किसान की रक्षा कर दो किसान का काम दे दो तब आप कानून बनाने की कोशिश करते, जब आपको मेरा ही हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत भी जुड़ गए हैं। सुरेंद्र जी स्वागत है आपका नाइन टीवी में। अभी योगी सरकार ने बड़ा फैसला दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों को लेकर लिया है, वापसी की बात यहाँ पर कही जा रही है, इस फैसले को आप किस तरह से देखते हैं क्योंकि लगातार यहाँ पर मांग हो रही थी। देखिए स्पष्ट रूप से इन मजदूरों को तो बहुत पहले वापस बुला लेना चाहिए था, आज आप बुला रहे हैं अच्छी बात है, बिल्कुल बुलाना चाहिए। उसकी मॉडलिटीज क्या होंगी, कैसे आप बसेस भेजेंगे, कैसे आप सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे, कैसे आप सारी तैयारियां करेंगे, कैसे आप ये बीमार आदमी को क्यों उसमें रखा हुआ है, ये लगातार बोलते जा रहे, किसी को सुनने नहीं दे रहे। सुरेंद्र राजपूत बोल रहे हैं, कांग्रेस के लोग कितना अनुराग जी तो सुरेंद्र राजपूत बोल रहे हैं उनको तो सुनने नहीं दे रहा है, परेशान क्यों होते हो, हमने काम करके। अरे बीमार आदमी हो भाई, चुप रहा करो थोड़ी देर। चंद्रमोहन जी सुरेंद्र जी का ये सवाल है कि फैसला लिया है बहुत अच्छा है लेकिन ये फैसला बहुत पहले ले लेना चाहिए था, लेकिन अब चुनौतियां चुनौतियों को किस तरह से पार करेगी सरकार। देखिए आधी बात तो सुरेंद्र राजपूत जी बहुत समझदार आदमी है, बहुत अच्छे आदमी है और जमीन से जुड़े आदमी है, बहुत अच्छी बात उन्होंने की, उन्होंने स्वीकार किया। देखिए यही अंतर है, यही अंतर है, व्यक्ति व्यक्ति का अंतर होता है। सुरेंद्र राजपूत सुलझे हुए आदमी है, उन्होंने प्रशंसा की कि हाँ सरकार का निर्णय सही है, राजनीति है, राजनीति के तहत उन्होंने कहा कि विलंब से है, और वहीं अनुराग बदौरिया क्या चिल्ला रहा है वो देख लो, सपा क्या चिल्ला रही है वो सुन लो आप, ये व्यक्ति व्यक्ति का अंतर होता है कि कौन व्यक्ति कैसा है। ठीक है सर, लेकिन हम चाहेंगे कि एक बार ये चीज आप दर्शकों के सामने ऑनलाइन टीवी के दर्शकों के सामने भी रखें, और सुरेंद्र जी का भी ये सवाल है कि व्यवस्थाएं किस तरह से होंगी, किस तरह से अमली जमा बनाएगा क्योंकि चुनौती यहां पर बहुत होंगी सामने। राजपूत जी को ये बताना चाहता हूँ कि हर चीज का एक समय होता है, तैयारी होती है, समय तैयारी के साथ में आगे बढ़ा जाता है, समय और तैयारी के साथ में हम आगे बढ़े हैं। हमने दिल्ली से आपके सहयोग से जो दिल्ली में सरकार बनी उस सरकार ने हमारे लोगों को निकाल दिया जो दिल्ली को बनाने का काम कर रहे थे, हमने उनको घर पहुंचाया, हमने कोटा से विद्यार्थियों को संवेदनशीलता का परिचय देते हुए उनको घर पहुंचाया। हम अपने उत्तर प्रदेश के हर नागरिक के लिए, वो कहीं पर भी है, उसके प्रति पूरी जिम्मेदारी के साथ सजग है सुरेंद्र राजपूत जी, और हम इस संकट के समय में आपसे आग्रह करेंगे कि आप एक बड़ी लाइन खींचते हुए उसमें सहयोग करेंगे। आप सुरेंद्र राजपूत जी आपसे यही आग्रह, आप समाजवादी पार्टी जैसा हल्ला बोल की राजनीति मत करिएगा, ये आग्रह है। क्या कहेंगे सुरेंद्र जी? देखिए आपदा का समय है, राजनीति का समय नहीं है। राजनीति हम इस महादानों को परास्त करने के बाद राजनीति हम खूब करेंगे। हमारा बड़ा स्पष्ट एक मत है कि बहुत साफ सी बात है कि जो लोग घर आ सकते हैं पूरी सुरक्षा के साथ घर आए, उनके घर आने में कोई समस्या ना हो। दूसरी बात, जो घर आ चुके हैं जो लोग
उनकी पूरी क्या देखभाल हो पा रही है, क्वारंटाइन की बड़ी बदहाल व्यवस्थाएं हैं। अभी बाराबंकी में एक वृद्ध की ऐसी मौत हुई जिसके शव में कीड़े पड़ गए थे और क्वारंटाइन उसको किया था शासन के अधिकारियों के द्वारा और उसकी कोई सुध लेने नहीं गया, वो मर गया, उसके शव में कीड़े पड़ गए, वो गुजरात से कोई आया हुआ था। सच्चाई ये है कि इस तरीके की दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं ना हो, शासन सत्ता की जिम्मेवारी है कि इस तरीके की बातें ना हो पाए और सब लोगों को उचित दर पर राशन मिले बगैर किसी राशन कार्ड के। उस पर काम चल रहा है जी, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रमोहन जी, सुरेंद्र जी आपका भी शुक्रिया और अनुराग जी आपका भी जुड़ने का शुक्रिया। तो यहाँ पर योगी सरकार ने बड़ा फैसला दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों को लेकर किया है, उनकी वापसी कराई जाएगी और उसको लेकर पूरी तरह से व्यवस्थाएं भी पूरी तैयार कर ली गई हैं ताकि मजदूर जो वापसी कर रहे हैं उनको किसी भी तरह की परेशानी ना हो पाए।